मैं श्रीनगर और कश्मीर के निवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि आज झेलम रिवर फ्रंट बन करके तैयार हुआ है। ये 6 किलोमीटर का स्ट्रेच अभी बना है, दूसरे साइड का काम भी आगे शुरू होने वाला है। आप सब जानते हैं कि श्रीनगर शहर जो है वो वाटर बॉडीज और वाटर के किनारे ही बसा है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत या मैं कहूँ कि इकॉनमी भी वाटर पर ही निर्भर करती थी। लंबे समय से ये बैकयार्ड में तब्दील हो गया, जिसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मैं कह सकता हूँ कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पेस श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने यहाँ तैयार किया है। इसमें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ फ्री वाईफाई भी है बच्चों के लिए, साइकिल लिंक करने की व्यवस्था है, वॉकिंग का इंतज़ाम है। आने वाले दिनों में यहाँ लाइब्रेरी भी बनाएंगे हम लोग, कैफे भी होंगे। मैं समझता हूँ कि ये निश्चित रूप से एक सराहनीय काम हुआ है और केवल सांस्कृतिक विरासत यहाँ की नहीं प्रिजर्व कर पाएंगे हम, बल्कि मुझे लगता है कि इकॉनमी को भी श्रीनगर और कश्मीर की बूस्ट इससे मिलेगा। सिन्हा साहब, चूंकि बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल मेगा इवेंट हमारा यहाँ हो रहा है G20 का, एज अ मेहमान नवाज आप हैं पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से, किस तरह की तैयारी है G20 के हवाले से? G20 की तैयारी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और जम्मू कश्मीर के निवासियों ने भी, उनका भी बड़ा सहयोग है, बहुत बेहतरीन ढंग से किया है। आप लोगों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के एक शानदार आयोजन कर रहे हैं और आयोजन की सफलता का जो संदेश जाएगा पूरी दुनिया में, उससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और जो हमारी परंपरा रही है कश्मीर की मेहमान नवाजी की, उसको भी पूरी दुनिया देख सकेगी। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने G20 की मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर को स्थान दिया। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।